नमस्ते सलाम टू ऑल माय व्यूअर्स। आज मैं आपको लेके जाने वाले हूँ दुबई के मैन मेड आइलैंड में, जिसका नाम है पाम जुमेरा। और यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने ली है मोनोरेल। ये मोनो ट्रेन है और ये इसका कार्ड है। ये पूरा मोनोरेल का व्यू है। ये है पाम जुमेरा मोनोरेल का टिकट, जिसका फ्लैट प्राइस है 30 दिरहम। ट्राम लेकर मैं पहुंच गई हूँ पाम जुमेरा, और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट एक्वेरियम है जिसका 45 दिरहम रेट है, और ये पूरा एक तरह का मॉल है। कितना सुंदर है ये, और बहुत सारे यहाँ पे शॉप्स हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी बड़े बड़ी हस्ती हैं, शाहरुख खान, सचिन, सबके यहाँ पर मकान भी हैं। बहुत पॉश एरिया में माना जाता है ये पाम जुमेरा, और खाने में काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे महंगा एरिया दुबई का, जी हाँ, दुबई का सबसे पॉश एरिया और सबसे महंगा एरिया है, जहाँ पर पानी से लेकर खाना हर चीज़ नहीं है। और अगर आपको वाटर पार्क में जाना पसंद है, तो यहाँ पर एक्वा वेंचर वाटर पार्क है, पीछे इसका एंट्रेंस टिकट है। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर, एक्वेरियम है, वाटर एक्टिविटीज करने के लिए अलग से यहाँ पर पार्क है। और अगर आप वाटर स्पोर्ट्स लवर हैं, तो ये जगह आपके लिए आप आ सकते हैं यहाँ पर। और 350 दिरहम यहाँ का एडल्ट का एडमिशन पास है, और चिल्ड्रंस के लिए है 315 दिरहम। पाम शेप में बना मैनमेड आइलैंड पाम जुमेरा दुनिया की सबसे फेमस जगहों में शुमार है। इसके 17 फॉन्ट यानी पत्ते स्पेस से भी बहुत आराम से देखे जा सकते हैं। दुनिया का सबसे डिफिकल्ट प्रोजेक्ट माना जाता है पाम जुमेरा आइलैंड बनाना, जिसे नखिल बिल्डर्स ने बनाया। इसको बनाने के लिए 94 क्यूबिक मीटर सैंड का इस्तेमाल हुआ और 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर रॉक की यूज़ हुई। इसे बनाने में लगभग 6 साल लगे। मेनलैंड से जोड़ने के लिए यहाँ पर मोनो रेल चलाई गई है। मिडिल ईस्ट की सबसे पहली मोनो रेल इसे माना जाता है। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, जी हाँ। वैसे दुबई में पानी भी बहुत महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ पर पानी ही पानी है, और यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जी हाँ, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। और अच्छा खासा इनकम सोर्स है ये आइलैंड यहाँ का। बहुत, जैसे मैंने बताया, बहुत पॉश एरिया है और दुबई से थोड़ा हटकर है। यहाँ पर आने के लिए पहले मेट्रो, फिर ट्राम, और उसके बाद मोनो रेल लेनी पड़ती है। मोनो रेल भी बहुत महंगी है, 30 दिरहम है उसका फेयर, जो आमतौर पर 2 या 3 दिरहम लगता है मेट्रो में। मोनो रेल, सॉरी, लास्ट स्टॉप
सरफेस में वाटर एक्टिविटी करने के बाद रोड क्रॉस कीजिए और ये बीच एरिया है।